हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं? मीनू की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अदरक और लहसुन की करी बनाने जा रहे हैं, जो कि सर्दियों में बहुत ही लाभदायक है। इसको सर्दियों में हमेशा खाना चाहिए, क्योंकि इससे रेशा और जुकाम नहीं होता। मैंने इसको बनाने के लिए 5-6 गठियां अदरक की ली है, 6-7 गंडियां लहसुन की ली है। अब हम अदरक को कद्दूकस कर लेंगे, लहसुन को ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने अदरक को कद्दूकस कर लिया है, लहसुन को ग्राइंड कर लिया है। हमने 2 बड़े टमाटर लिए थे, उसको भी कद्दूकस कर लिया है। 2 हरी मिर्च ली थी, उसको भी ग्राइंड कर लिया है। हमने मसाला भूनने के लिए 3 छोटी करछी सरसों के तेल की ली है। अब हम इसको 3-4 मिनट तक सड़ने देंगे। अब हमारा तेल सड़कर लाल हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन डालेंगे, साथ ही लहसुन को डाल देंगे। थोड़ा सा इसको ब्राउन होने तक भूनेंगे। अब हमारा लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें अदरक डालेंगे। हम इसको अदरक के साथ थोड़ा सा भूनेंगे ब्राउन होने तक। अब हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/2 से 1 कम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसको सभी मसाले डालकर अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे, साथ में हम जो टमाटर का कद्दूकस किया था उसको भी डाल देंगे। अब हम मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक इसका तेल ना छूट जाए। तो हमारा मसाला भून चुका है। अब हम इसको घोलने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि जो कि हमारा मसाला घुल जाए। अब हमारा मसाला घुल चुका है, हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। दो तीन मिनट तक हम इसको सेकेंगे। हमारी अदरक और लहसुन की तरी बनकर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा धनिया काट कर डालेंगे। गाइस, हमारी अदरक और लहसुन की तरी बनकर तैयार है। हम सर्दियों में अदरक और लहसुन की ही तरी बनाते हैं। हम इसमें प्याज नहीं डालते, आप चाहे तो प्याज डाल सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें।